टिहरी से है जहां ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निजी कंपनी की मनमानी सामने आई है, जहां नियमों को ताक पर रखकर अवैध क्रशर प्लांट चलाया जा रहा है। जहां ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क बनाने के लिए कच्चे पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है, बिना अनुमति लिए क्रशर से कच्चे पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। यही नहीं, काम करने वाले मजदूरों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। वहीं पूरे मामले में अपर जिलाधिकारी के मिश्रा का कहना है कि तहसीलदार की रिपोर्ट आने के बाद पूरे मसले पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी कोई स्थिति है वे आपके संज्ञान में लाए जाने पर और हम इसमें रिपोर्ट लेंगे, अगर ऐसी कुछ भी अवैध खनन या ऐसी कोई भी परिवहन कुछ भी स्थिति पाई जाती है जो भी हमारे माइनिंग एक्ट के तहत है उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, शीघ्र ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो। मैं इस समय ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कांडीखाल के पास में हूं और आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है और पहाड़ी से जो कच्चे पत्थर यहां पर निकले हैं, इन कच्चे पत्थरों को धर्मराज कंपनी के द्वारा ये क्रेशर पे ले जाया जा रहा है और इन कच्चे पत्थरों को क्रेशर पर तोड़कर सड़क पर उसका उपयोग किया जा रहा है, जो मानकों के विपरीत है। जबकि सड़क पर साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि सड़क पर बोल्डर की सोलिंग बिछाई जाएगी, लेकिन धर्मराज कंपनी के द्वारा मानकों को ताक पर रखते हुए इन कच्चे पत्थरों को तोड़कर सड़कों पर बिछाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जिस तरह से ये लापरवाही देखने को मिली है उस पर बीआरओ की कोई भी नजर नहीं है, यानी कुल मिलाकर बीआरओ के अधिकारी और धर्मराज कंपनी के कर्मचारी की मिलीभगत होने के कारण सब कार्य यह चल रहा है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टीवी गढ़वाल। तो वही प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम बीएस